दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो पेश किया जा रहा है बहुत ही अद्भुत अल्टीमेट और ऐसा वीडियो जो आज से पहले द करेंसीपीडिया पे या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिला होगा। जो भी व्यक्ति अपने सिक्के बेचना चाहते हैं या एक सीरियस कलेक्टर बनना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को कम से कम दो बार बगैर स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें और ध्यान से सुने। आपकी लाइफ बदल जाएगी। और समझने की कोशिश करें कि मुकेश कुमार वर्मा जी आपको क्या समझाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार सर, आप सभी में से बहुत से लोग तो जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुकेश वर्मा जी को नहीं जानते होंगे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मुकेश वर्मा जी वो शख्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी कृपा से, जिनकी मेहनत से आप और हम इस जगह पे खड़े हैं। इस हाल का किराया मैंने आपको सुबह बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। आप में से कुछ लोग नए हैं, 80,000 से ज़्यादा एक टाइम का किराया है इस हाल का। आपसे एक रुपये की भी टिकट नहीं ली गई है। और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इनकी रात दिन की अथक मेहनत और बहुत सारे लोगों की टीम है जिसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं जो ये अपनी जेब से करते हैं। जो स्टॉल का किराया आता है बहुत नॉमिनल होता है, उससे कुछ प्रॉफिट होता है इनको, मतलब कुछ घाटा कम हो जाता है, लेकिन घाटे में भी काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको एक अच्छा कलेक्टर बनाना चाहते हैं आप, और इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस वजह से ये काम कर रहे हैं, लाखों रुपये लग रहे हैं आपके लिए। इतनी तालियों से बात नहीं बनेगी। मुकेश वर्मा जी, एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूँगा। अभी एक सवाल आया था कि सिक्के जो खरीदे, क्या सवाल था आपका? कि बिल नहीं देते हैं वो, है ना? और बेचे तो कैसे बेचे, प्रूफ उसका क्या है, या उसके लिए लाइसेंस लगता है कि नहीं लगता है? तो इस पर अगर आप छोटा सा प्रकाश डाल दें। जितने भी कॉइन सेल परचेज होते हैं तो एक नॉमिनल जो कॉइन है जो रिपब्लिक इंडिया के हैं, उसके लिए नॉर्मली हमें कोई बिल नहीं चाहिए किसी भी कॉइन के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई भी कॉइन अगर बनाए तो गवर्नमेंट की तरफ से, अगर हम 2 लाख या 5 लाख रुपए की करेंसी भी रखते हैं, लेकिन हमें उसका किसी भी तरीके से मिसयूज नहीं करना है। जैसे बहुत सारे लोग उन चीज़ों को मेटलिक वैल्यू के लिए रखते हैं, जैसे मान लो जो आपके स्टील के कॉइन बने थे, तो उस मेटल में बहुत सारे लोगों ने शुरू किया उसको मेल्ट करके ब्लेड बनाने का, क्योंकि सबसे अच्छा मटेरियल उसके लिए था, वो एक इलीगल चीज़ है। इसी तरीके से मुरादाबाद में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कॉइन को मेल्ट करके, जो कॉपर निकल के कॉइन होते हैं उनको मेल्ट करके दूसरी चीज़ें बनाते हैं, और उनको करेंसी जो है वो कम रेट में मिल जाती है, क्योंकि जैसे जैसे कॉइन की वैल्यू बढ़ती है, कोई भी कॉइन आप मान के चलिए आज़ादी से पहले रुपये का होता था, वो चांदी में आता था, उस टाइम पर चांदी की वैल्यू कम होती थी। अब से करीब 20 साल पहले चांदी की वैल्यू भी 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये किलो होती थी, अब वो वैल्यू 50 हज़ार तक पहुँच गई। तो चांदी का जो 10 ग्राम का एक कॉइन की वैल्यू 1 रुपये होती थी, आज वो स्टील में आ गया है, और वो भी स्टील का भी साइज हमारा छोटा है। इसी तरीके से जो कॉइन हमारे 82 के 8 ग्राम के बनते थे, उसकी मेटल वैल्यू आज की डेट में 3.5 रुपये हो गई। तो जो मेटल गला के उसको रीयूज करने के लिए लेते हैं उसको, तो 1 रुपये की वैल्यू 3.5 रुपये से नॉर्मली होती है। लेकिन एंटीक्विटी के हिसाब से जो भी लोग कलेक्शन करते हैं, हमारा मेजोरिटी जितने भी कलेक्टर हैं उनका एक इंटरेस्ट ये होता है, जो हम जितने भी कॉइन इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जैसे 1950 से कॉइनें शुरू हो गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो चाहते हैं कि हर कॉइन हर ईयर का उनके पास अपने कलेक्शन में हो। जैसे 1949-50 से अगर स्टार्ट हुआ है, पहले आना सीरीज आती थी, फिर डेसिमल सिस्टम शुरू हुआ, तो वो सब चीज़ों का एक एक कलेक्शन करना चाहते हैं। और जो उससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं, वो मिंट वाइज करते हैं कि जितनी भी मिंट थी, पहले नोएडा मिंट नहीं थी इनिशियली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, ये 3 मिंट थी। नोएडा में 1990 के आसपास शुरू हुई थी, 88 के आसपास। तो उन सबका मिंट वाइज कलेक्शन के लिए जो कॉमन कॉइन हम लोग के पास होते हैं, इन कॉइन्स की भी रिक्वायरमेंट नॉर्मली होती है। कमोमोरेटिव कॉइन्स जितने भी इशू होते थे 1950 से लेकर अब तक, उन लोगों का भी पर्सनल इंटरेस्ट होता है कि कमोमोरेटिव कॉइन जितने भी निकले हैं
लगभग 160 रैंक वाइज कमोडेटिव निकले हैं अभी तक, तो वो 160 रैंक की रिक्वायरमेंट भी लोगों की रहती है। अगर वो उसी को मिंट वाइज करते हैं, कमोडेटिव कॉइन लगभग 400 होते हैं जो मिंट वाइज आ रहे हैं, तो उन सब लोगों का वो कलेक्शन का पैटर्न भी होता है। लेकिन ये जितने भी कॉइन्स हैं ये एक नॉर्मल सर्कुलेशन के लिए बनाए गए थे और इतनी बड़ी क्वान्टिटी ह्यूज क्वान्टिटी है तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो एक एंटीक्विटी का और मेटलिक वैल्यू की वजह से 3 रुपये तो उसकी मेटलिक वैल्यू हो गई। तो अगर कमोडिटी कॉइन आप लोग इकट्ठा करके शेयर करने आते हैं तो कोई भी आदमी उसकी वैल्यू 4 रुपये 5 रुपये एक नॉर्मल देता है, और अगर उसमें रेयरिटी है तो उस रेयरिटी के पीछे कोई रीज़न होता है, और वो रीज़न जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने प्रोफेशनल हैं, जितने कलेक्टर हैं, अगर उनकी स्टडी अच्छी है तब वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे 1996 में सुभाष चंद्र बोस का एक कॉइन आया था 2 रुपये का, जबकि वो 100th एनिवर्सरी उनकी 97 में आनी थी, तो जैसे ही वो कॉइन बना उसके बाद पीछे से ऑर्डर हो गया कि भाई इस कॉइन को बेल्ट करो, ये सारा का सारा कॉइन जो है लीगल नहीं है क्योंकि 97 होना था, अभी 96 बना था, तो उस टाइम पे उसका ऑर्डर हो गया कि मिंट से सारा बेल्ट करके 97 में कन्वर्ट करो उसको। उस टाइम तक उस कॉइन निकल चुके थे, तो 96 का जो सुभाष चंद्र बोस का कॉइन था वो आज की डेट में 2000 से 3000 रुपये का एक कॉइन हो गया। तो इस तरीके के लॉजिकल रीजन, जैसे 1996 में इंटरनेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, साइंस कॉन्फ्रेंस 1996 में, तो उसके ऑर्डर हो गए कि 5 रुपये का कॉइन बनना है क्रॉप साइंस का, तो 5 रुपये का क्रॉप साइंस का ऑर्डर हो गया, कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई किसी वजह से, तो कॉइन भी कुछ निकल चुके थे। आज वो एक कॉइन 18 से 20 हज़ार रुपये का। तो पर्टिकुलर इस टाइप के कॉइन्स या पर्टिकुलर किसी मिंट के कॉइन्स जितने भी लोग काम करने वाले हैं जो नॉलेजेबल हैं उनके पास वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट आ जाते हैं भी इसकी मिंटेज इतनी थी। जिन कॉइन्स की मिंटेज बहुत कम है और उनकी रेयरिटी बहुत ज़्यादा है उन कॉइन्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। एक एग्जांपल मैं और दूंगा आपको, 1 रुपये में 1975 से 1982 तक 8 ग्राम का कॉइन आता था 1 रुपये, तो वो रेगुलर चल रहा था रूटीन। गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ कि भाई ऐसा है इसका हमें नुकसान हो रहा है, मेटलिक वैल्यू बढ़ रही है, 1 रुपये की ज़्यादा पड़ता है, तो 8 ग्राम को कन्वर्ट करके 6 ग्राम में बना। तो 1982 में ये सर्कुलर पास हुआ करीब नवंबर दिसंबर में, तो दिसंबर के एंड में वो सर्कुलर पास होने से जो 1982 का 6 ग्राम वाला कॉइन था वो लास्ट के दिसंबर में फॉर्मल में बना था, मतलब बहुत कम कॉइन बने थे 1982 6 ग्राम वाले, जबकि 83 से ऑनवर्ड अब तक वो उसके बाद 6 ग्राम के कॉइन शुरू हो गए। तो 1982 में 6 ग्राम का कॉइन था, आज उसकी वैल्यू 25 से 30 हज़ार रुपये। तो जितने भी कॉइन रेयर होते हैं उनके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होता है, और जितने भी इस चीज़ में नॉलेज रखते हैं उन लोगों को पता होता है कि ये रेयरिटी क्यों है, और अगर रेयरिटी है तो वो 2000 भी 500 रुपये से लेके और 50,000 तक भी जा सकता है, 2 लाख तक भी जा सकता है। बहुत सारे कॉइन्स ऐसे भी हैं जो 50,000 से 1 लाख 2 लाख पाए जाते हैं। 1957-1959 के जो कॉइन्स आते हैं हाफ रुपीज़ के और 8 आने के, उसकी वैल्यू भी 25,000 से 30,000 पर कॉइन। तो बहुत सारे कॉइन्स महंगे होते हैं, सभी लोग जब YouTube देखते हैं तो नॉर्मली वो सोचते हैं कि कॉइन्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो जब तक उनको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और इन सभी चीज़ों के लिए प्रॉपर लिटरेचर आता है, बुक्स आती हैं, और बुक्स सारी एग्जीबिशन में हमेशा होती है, और जितने भी YouTube वाले नॉर्मली ये कहते हैं कि भाई ऐसा है ये आपके पास कॉइन, मैं तो एक चीज़ कहूँगा उनका काम ही फ्रॉड करना होता है, वो लोग कॉइन वाले भी नहीं हैं, उनको कॉइन से कोई लेना देना भी नहीं है, वो नोट वाले भी नहीं है, ना वो सेलर है ना वो परचेजर है, उनको एक सिस्टम मिला हुआ YouTube, वो YouTube पर कोई भी चीज़ डाल देते हैं। मान लो आपकी जेब में 5 रुपये के सिक्के 4 सब्जी वाले ने आपको दे दिए, अगर उन लोगों को आप कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप करते हो तो उसकी वैल्यू बताते हैं कि 15 लाख रुपये या 10 लाख रुपये या 5 लाख रुपये। बेसिकली उनका कोई टारगेट नहीं होता आपसे कॉइन लेने या देने का, ना उनको नोट लेने हैं, ना कॉइन लेने हैं, ना बेचने हैं, उनका टारगेट होता है कि आपको एक इमेज देनी, उस पर ले जाना कि आपकी चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और हम आपको उस चीज़ के इतने पैसे देंगे। इस बहाने वो किसी भी तरीके से आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे किसी भी तरीके से वो 2500 से लेके और 5000 तक, क्योंकि उनका चीटिंग करना है, उनका टारगेट कोई परचेज नहीं है, कोई सेल नहीं है, वो सिर्फ चीटिंग करना है। और उन लोगों ने क्या किया हुआ है, उन्होंने हमारी यूट्यूब या हमारी फ़ोटो एग्जीबिशन से लेके और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते। अब जैसे सरदार जी बोल रहे हैं, सरदार जी की पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे, आवाज़ म्यूट कर देंगे। अब बहुत सारे लोग, इंडिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है, तो इसको अपनी वर्डिंग में लिप से मैच करके वो लोग बोलेंगे कि भाई ये कॉइन इंदिरा गांधी का, मैं बता रहा हूँ वो इंदिरा गांधी का कॉइन 15 रुपये का है, तो वो हमारी लैंग्वेज को यूज़ करके वो बताएंगे ये 2 लाख का मैं ले रहा हूँ। उसमें फ़ोटो किसकी होगी, राजगनी जी की, मेरी, मेरे भी कम से कम 40 वीडियो ऐसे चल रहे हैं
जो ये बताते हैं सोनू शर्मा के नाम से या तीसरे नाम से, मतलब 35-40 लोग हैं जो YouTube पर ये नेगेटिव पब्लिसिटी कर रहे हैं और वो उसी का फायदा उठा के, हम लोग सोचते हैं ये मुकेश वर्मा ये फोटो हमने देखी है, नाम सबको याद नहीं रह सकता, तो वो सोचते हैं कि भाई इस आदमी को मैंने एग्जीबिशन में देखा और ये आदमी अगर YouTube पर ये बात बोल रहा है तो उसके ऊपर भरोसा करके उनको 50,000, 5,000, 10,000 जो भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में वो जिस भी तरीके से उनसे पैसे खींच देते हैं और उसके बाद उनका वो फ़ोन नहीं उठाना। इवन उनके नंबर पर मैंने भी फ़ोन करके देखा है तो उन्होंने कहा कि हमारे तो यूट्यूब चैनल हैं, आप एक चैनल बंद करवाओगे हम दूसरा खोल लेंगे, दूसरा बंद करवाओगे तीसरा खोल लेंगे। तो मैंने बहुत सारी जगह कोशिश की है, मिनिस्ट्री में भी हमारी बात चल रही है कि जो साइबर क्राइम है वो पर्टिकुलर इन लोगों के अगेंस्ट जाए और ये यूट्यूब जितने भी चैनल हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं वो सारे बंद हो। इसीलिए इस बार हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखा है दिल्ली वालों के लिए, जो लोग फेस टू फेस पब्लिक को ये बता सकते हैं कि भाई हम सही कर रहे हैं, अगर मैं कोई भी चोरी कर रहा हूँ मैं स्टेज पे आकर ये नहीं बोलूँगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, और आप सब लोग सामने बैठे होंगे और मैंने किसी को भी चीट किया होगा तो बोल सकते हैं 50 रुपये में खड़ा होकर भाई आपने मेरे को चीट किया। तो जो यूट्यूबर हमारी नज़र में बिल्कुल सही है तो यहाँ पर इन्वाइट किया था जिसमें सरदार जी हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस है। अगर हम यहाँ पर एजुकेशन क्लासेस करते हैं तो किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो उस लाइन से अभी तक रिलेटेड ही नहीं है। मेजोरिटी पब्लिक क्या लेकर आती है कि जो वो जो फेक यूट्यूब चैनल चल रहे हैं उससे इंस्पायर होकर कि भाई हमारे पास ये 20 लाख के सिक्के हैं, हमारे पास 50 लाख के हैं, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं कि वर्मा जी हमारे यूट्यूबर ने आप बताते हो वो चीटर है, उसने 20 लाख लगाए हैं, आप कम से कम 2 लाख तो दोगे। अब हम उनसे कह रहे हैं कि वो पॉइंट जो है वो यूट्यूबर को पता ही नहीं है कि वो 20 लाख या 2 लाख या 5 लाख। आप एग्जीबिशन में आओ, सबसे पहले सिक्के मत दिखाओ किसी को, आप एग्जीबिशन में आकर पूछो कि वो इंदिरा गांधी का 5 रुपये का सिक्का कितने का बिक रहा है। अगर वो 30 रुपये का बेच रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो 15-20 रुपये का लेंगे। तो जब वो 20 लाख से बात 2 लाख की सोचते हैं और यहाँ पर आके उनको पता चलता है वो 400 रुपये के सिक्के हैं जिसकी वो सोच कर बैठे थे कि वो 20 लाख का है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारा मेरी फीलिंग खुद हर्ट होती है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा है यहाँ तो चीटिंग फ्रॉड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है 10 लाख 20 लाख 50 लाख और यहाँ पर आके सब लोग 90% लोग कमर्शियल हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। बहुत सारे लोगों को ये कहना पड़ता है कि भाई हम ये लेते ही नहीं, हम सिर्फ बेचते हैं। वजह क्या है कि मेजोरिटी पब्लिक आ रही है और वो उस काउंटर पर खड़े होके 20 आदमी मान लो 1-1 रुपये के सिक्के जिसकी वैल्यू 3-5 रुपये है, अगर वो उसी को टैकल करते रहेंगे तो उनका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और वो 50,000 रुपये खर्च करके आए हैं और उसके बाद अगर वो वैल्यूशन बताते रहेंगे वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो इसलिए वो पहले से मना कर देते हैं कि हम खरीदते नहीं। तो जितना भी अवेयरनेस का प्रोग्राम है हम चाहते हैं कि यूट्यूब के थ्रू यानी कि और जितने भी यूट्यूबर हैं अच्छे हैं इन लोगों को हम हर अपनी हर एग्जीबिशन में प्लेटफॉर्म देंगे, तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन सही पहुँचे और आगे के लिए चीटिंग फ्रॉड से वो बचे, कम से कम वो फ्रॉड इस बात से तो बचेंगे कि भाई कोई भी आदमी की कोई की वैल्यू लगा रहा है तो उस वैल्यूशन को बुक से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कोई रेयर चीज़ आपके पास है तो इसकी बहुत सारी सोर्सिंग है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख आदमी इंडिया में सब इसी काम को कर रहे हैं और सब जगह आपको सोर्सिंग मिल सकती है सेल परचेज की। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कम से कम 50 डीलर हैं जो काम कर रहे हैं, आप कहीं पर भी किसी भी शॉप पर जाकर सेल और परचेज कर सकते हो अगर आपके पास रेयर चीज़ है ये चीज़। तो इसकी अवेयरनेस के लिए सरकार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 2016 में एक सोसाइटी बनाई थी रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है या इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि अच्छे लोगों को प्रोत्साहन मिले तो आप बहुत ध्यान से सुने क्या बोलना चाहते हैं। अगर मान लो आप और हम ही कोई भी कलेक्शन घर में करके रखा हुआ है और कोई भी डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करता है तो वो पूछते हैं आप कलेक्टर कैसे हो, आपके पास प्रूफ क्या है कि आप कलेक्टर हो और आप कलेक्शन करते हो, तो आप उसको कलेक्शन सारा दिखा दो, उसके बावजूद भी मान लो मेरे पास ही 20 किलो कॉइन रखे हैं जो कॉपर निकल गए हैं, वो सीधा अगर एलिगेशन लगाते हैं तो वो कहते हैं कि आप तो मेटल का काम करते हो, आप इसको मेल्ट करके और दूसरी चीज़ बना रहे हो, आपने क्यों स्टॉक किया है। आप उसको कितना भी कहो कि भाई मैं इसका स्टॉक कर रहा हूँ और मैं एक कलेक्टर हूँ और मेरे को ये सारी चीज़ों का इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एज ए प्रूफ किसी भी सोसाइटी की आपके पास मेम्बरशिप होती है तो एक ऑथराइजेशन हो जाता है कि भाई उस सोसाइटी का मेम्बर और मैं एक कलेक्टर हूँ और इस पर मेंशन किया हुआ है कि मैं इतने टाइम में कलेक्शन कर रहा हूँ, और जो है सोसाइटी आपको सपोर्ट करती है किसी भी तरीके से पूरे इंडिया में।
अगर मान लो आपका एक इंटरेस्ट है कि भाई आप कलेक्शन करते हैं और आप कलकत्ता चले गए, कलकत्ता में आपको कॉइन अच्छे लगे, 50 कॉइन भी मान लो सिल्वर के आपने ले लिए और आप ट्रेवलिंग में ला रहे हो, तो अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक कार्ड या मेंबरशिप होगी किसी सोसाइटी की, तो आप उसको दिखा के सीधा, मैं सब जगह जाता हूँ इंडिया में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है सीधा उनको कार्ड दिखाता हूँ, भाई मैं इस चीज़ का सोसाइटी का प्रेजिडेंट हूँ और ये सोसाइटी मैं रन कर रहा हूँ और ऑल इंडिया में एग्जिबिट्स के लिए या मैं पर्सनल कलेक्शन के लिए सारी चीज़ें करता हूँ, तो सोसाइटी का बेनिफिट ये होता है। और इस सोसाइटी का गवर्नमेंट ने रूल रखा था 1100 रुपये मेंबरशिप है जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया और 500 रुपये इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो हमने किसी से भी अभी तक 1100 लेने के बाद 500 रुपये नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि प्रमोशन में जो हम लगभग 5 लाख रुपये हर साल खर्च करते हैं, तो 1100 रुपये देने के बाद आदमी को ये लगता है ये 500 और ले रहे हैं सबसे हर साल, तो ये हमारे पैसे से ही सारा काम कर रहे हैं, जबकि हमारा पर्सनल इंटरेस्ट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आए और उसके लिए एक मनी मैटर्स ना आए कि जो हर आदमी को सोचे ये तो पैसे कलेक्शन का ही काम है, तो वो इन्वॉल्वमेंट हम कम से कम रखते हैं। और हमारी वर्किंग ये है कि हमने 5-6 साल में 12 से 15 एग्जीबिशन किए, दिल्ली में हमारी 12वीं एग्जीबिशन है, इसके अलावा हमने एक अलीगढ़ में की थी, यमुनानगर में की थी, ये एग्जीबिशन सारी अलग, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जो प्रॉपर कलेक्शन करते हैं या जिनका कलेक्शन का इंटरेस्ट है आगे बढ़ता है और जिनको कभी भी ट्रांसपोर्ट से सामान लाना ले जाना पड़ता है कॉइन से रिलेटेड, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अगर वो करवाना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए क्या फॉर्मेलिटी है? उसके लिए फॉर्मेलिटी है कि आधार कार्ड, एक अपनी फोटो, एक मोबाइल नंबर और 1100। बाहर स्टॉल लगाएं, आप स्टॉल पे कर सकते हैं, आधार कार्ड की फोटो भी चल जाएगी, आपके मोबाइल में होगी, ऑनलाइन भी चल जाएगी ना, ऑनलाइन भी चल जाएगी और पेमेंट भी ऑनलाइन ले लेंगे, जीपे या फोन पे जो भी होगा वो ले लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरी दुनिया में सबसे कम फीस रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी की है, क्योंकि इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, तो इतने कम फीस में आपको लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप मिल रही है। तो मैं सभी से चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि यदि आप में से कोई भी सक्षम है, इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या कलेक्शन करना चाहते हैं या कलेक्शन है, तो जरूर मेंबर बनें। जी, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जो लोग सिर्फ अपने कॉइन जो उनके पास में हैं वो शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ उनका टारगेट वहीं तक है, तो उनको किसी भी तरह की कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। जो आगे इसमें कलेक्शन करना चाहते हैं और जिनका इंटरेस्ट है इस लाइन में आगे बढ़ने का, या उनको ऐसा लगता है कि हम थ्रू आउट इंडिया कहीं से भी कोई चीज़ करेंगे लाते हैं, अभी जरूरत है, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेंबर बनना चाहिए। बाकी जो लोग सिर्फ ये सोच कर रहे हैं कि भाई हमारे कॉइन को भी सेल करना है, उन लोगों के लिए मेंबरशिप की कोई जरूरत नहीं। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती शेड्यूल में से इतना सारा टाइम दिया और इतना अच्छा ज्ञान की बातें बताई आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और पुनः आपका धन्यवाद अदा करते हैं इतने बड़े सुंदर हाल के लिए जो आपने इन लोगों के लिए और हमारे लिए अरेंज किया है। हम आपके सदैव रेडी रहेंगे। धन्यवाद।